हेलो एंड वेलकम टू यमी बकेट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाना बॉल्स। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस और यमी लगते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसमें हमने लिया एक बाउल मखाना, 2 से 3 चम्मच गुड़ जैगरी, 5 से 6 बादाम, थोड़ी सी मूंगफली, 1 चॉकलेट और थोड़े से सफ़ेद भुने हुए तिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम 1/2 चम्मच घी डालेंगे और उसे गर्म करेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम उसमें मखाने डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। साथ साथ चलाते रहेंगे। ध्यान रहे मखाने जलने नहीं चाहिए। ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम 1/4 स्पून और घी डालेंगे और इसमें मूंगफली और बादाम को रोस्ट करेंगे। देखिए ये सभी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं, मखाना, मूंगफली, बादाम, गुड़। जैसे ये रोस्ट हो जाएंगे इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे हम एक मिक्सी में ये रोस्टेड मूंगफली और बादाम और तिल डालकर उन्हें दरदरा पीस लेंगे। थोड़े से तिल हम रख देंगे, बाद में हम उनको स्प्रिंकल करेंगे। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना। ये देखिए हमने इनको दरदरा पीस लिया है। अब हम उसी पैन में 2 से 3 चम्मच गुड़ डालेंगे। थोड़ी सी चॉकलेट भी डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। इन्हें लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये इस तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसमें रोस्टेड मखाना डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। गैस को हम स्लो पर ही रखेंगे और अब हम इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे जो हमने मूंगफली, बादाम और तिल का बनाया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुड़ और चॉकलेट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से और मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। देखिए बहुत ही डिलीशियस एंड यमी लग रहे हैं ये। अब हम एक स्पून की हेल्प से इन्हें थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।